आज के वीडियो में हम बताएंगे माँ के पेट में बच्चे का 9 महीने तक विकास कैसे होता है, यानी किस महीने में कौन कौन से अंग बनते हैं और बच्चा कितना बड़ा होता है, उसका वजन कितना होता है। पर हम चाहते हैं कि वीडियो अधिक शेयर हो ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रेग्नेंट महिलाओं के पास पहुंचे और वो अपने पेट में पल रहे शिशु का बेहतर ध्यान रख पाए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कौन सा समय प्रेगनेंसी के लिए बेहतर है। पीरियड के 14वें दिन ओवुलेशन होता है, मतलब अंडा बनता है और ये फेलोपियन ट्यूब में आता है। इस प्रक्रिया को ओवुलेशन कहा जाता है। ओवुलेशन के समय या इसके 1-2 दिन पहले संबंध बनाना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ही आदमी का स्पर्म महिला के अंडे से मिलता है और भ्रूण बनता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ट्यूब में निषेचन होने के 5-6 दिन में भ्रूण गर्भाशय में आकर गर्भाशय की सतह पर चिपक जाता है, जिसे प्रत्यारोपण यानी इम्प्लांटेशन कहा जाता है। इस दौरान महिला को हल्की ब्लीडिंग या स्पोटिंग हो सकती है, जो काफी नॉर्मल है। इसके बाद ये भ्रूण गर्भाशय में ही बड़ा होकर बच्चा बनने तक का पूरा सफर कर जन्म लेता है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, उसके आसपास पानी की थैली, जिसे एम्ब्रियोटिक सेक कहते हैं, ये बनने लगती है, जो उसके लिए तकिए का काम करती है। इसी दौरान एक प्लेसेंटा भी बनने लगता है, जो एक गोल डिस्क के समान ऑर्गन है। ये माँ और शिशु को जोड़ता है, जिससे माँ के पोषक तत्व शिशु को मिलते हैं। पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है। इस दौरान मुंह, आंखें, नीचे का जबड़ा और गला भी बनने लगता है। साथ ही ब्लड सेल्स, हड्डियां भी बननी शुरू हो जाती हैं और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। पहले महीने के अंत तक बच्चे का आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है। दूसरे महीने में चेहरा और अधिक विकसित होने लगता है। धीरे धीरे बच्चे के दोनों कान बनना शुरू हो जाते हैं। दोनों हाथ, पैर और उनकी उंगलियां, आहार नलिका और हड्डियां बनना भी शुरू हो जाती है। इस महीने में शिशु की धड़कन सोनोग्राफी के माध्यम से देखी जा सकती है। दूसरे महीने में ही न्यूरल ट्यूब्स बन जाती है। ये ट्यूब एक छोटे से रिबन की तरह होता है, जो बाद में ब्रेन, रीढ़ की हड्डी और नसों में विकसित हो जाती है। दूसरे महीने में ही शिशु की थोड़ी सी महसूस करने की क्षमता पैदा होने लगती है। इस महीने के अंत तक शिशु विकसित होकर 1.5 सेंटीमीटर का हो जाता है और उसका वजन 1 ग्राम होता है। तीसरे महीने का समय बच्चे के विकास का बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, इसीलिए इसे पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसी महीने के बच्चे के सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट अंगों का विकास होता है, जैसे चेहरा, कान, हाथ पैर और उंगलियां इसी महीने में पूरी तरह से बन चुकी होती हैं। नाखून बनना शुरू हो जाते हैं और प्राइवेट पार्ट भी बनने लगते हैं। यानी तीसरे महीने में ही यह तय हो जाता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। इस महीने के अंत तक हृदय, धमनियां, लीवर और यूरिनरी सिस्टम यानी किडनी, यूरेटर, ब्लैडर काम करना शुरू कर देते हैं। ये शिशु के विकास का क्रिटिकल समय होता है, इसलिए गर्भस्थ महिला को अपना विशेष ध्यान रखना पड़ता है। छोटी छोटी समस्या होने पर महिला को बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं लेनी चाहिए। शिशु के विकास का पहला चरण 3 महीनों में पूरा हो जाता है, इसीलिए इसके बाद गर्भपात यानी अबॉर्शन होने की संभावना कम ही रहती है। तीसरे महीने के अंत तक शिशु की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर हो जाती है और वजन 4 ग्राम। महिला का शिशु से इमोशनली अटैचमेंट होना शुरू हो जाता है। चौथे महीने में आंखें, बोहें, आंखों की पलकें, नाखून और प्राइवेट पार्ट पूरी तरह बन जाते हैं। दांत और हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। अब शिशु सिर घुमाना, अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। नर्वस सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। इस महीने फीटल डॉपलर मशीन से माँ अपने बच्चे की धड़कन को पहली बार सुन सकती है। नॉर्मली इसी समय डॉक्टर आपको डिलीवरी डेट भी देते हैं। चौथे महीने में बच्चे का वजन 100 ग्राम और लंबाई 11.5 सेंटीमीटर होती है। पांचवें महीने में सिर के बाल बनना शुरू हो जाते हैं। कंधा, कमर, कनपट्टी और कान बालों से ढके होते हैं। ये बाल बहुत मुलायम और भूरे रंग के होते हैं। ये बाल जन्म के बाद पहले सप्ताह तक झड़ जाते हैं। इसके अलावा शिशु का एक वैक्स जैसी कोटिंग होती है, जो जन्म के समय निकल जाती है। उस समय तक शिशु की मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं, इसलिए ये हलचल शुरू कर देता है, जिसे माँ महसूस कर सकती है। महीने के अंत तक वजन 300 ग्राम और लंबाई 16.5 सेंटीमीटर हो जाती है। छठे महीने में शिशु का रंग लाल होता है, जिससे कि धमनियों को देखा जाता है। इस समय शिशु के महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है
और ये साउंड या म्यूजिक को महसूस कर उस पर प्रतिक्रिया देने लगता है। इस महीने के अंत तक उसका वजन 600 ग्राम और लंबाई 30 सेंटीमीटर हो जाती है। सातवें महीने में शिशु में फैट बढ़ने लगता है, उसकी आवाज सुनने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है, लाइट के प्रति उसका रिएक्शन होता है और जल्दी जल्दी अपना स्थान बदलता रहता है। इस समय तक शिशु इतना विकसित हो चुका होता है कि किसी कारण से प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाए तो वह जीवित रह सकता है। आठवें महीने में शिशु की हलचल और अधिक बढ़ जाती है, जिसे माँ बहुत अच्छे से महसूस कर सकती है। इस समय दिमाग का विकास तेजी से होता है और वह सुनने के साथ देख भी सकता है। फेफड़ों के अलावा अन्य सभी शारीरिक अंगों का विकास पूरा हो चुका होता है। इस महीने में शिशु का वजन 1700 ग्राम होता है और लंबाई 42 सेंटीमीटर। अब महिला का नए जीवन को दुनिया में लाने के प्रति उत्साह चरम पर होता है और वो जन्म का इंतजार करने लगती है। नवे महीने में बच्चे के फेफड़े भी पूरी तरह से बन चुके होते हैं, शरीर में हलचल बढ़ चुकी होती है, पलके झपकाना, आंखें बंद करना, सिर झुकाना और पकड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। इस महीने के अंत तक गर्भाशय में जगह कम होने के कारण शिशु की हलचल कम होने लगती है। इस समय बच्चे का वजन 2600 ग्राम और लंबाई 47.6 सेंटीमीटर हो जाती है। अब शिशु दुनिया में आने के लिए तैयार हो गया है और धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जन्म के समय सामान्यतः शिशु का सिर पहले बाहर आता है। महिला के गर्भधारण से लेकर शिशु के दुनिया में आने की यात्रा अनूठी और कई तरह के अनुभव लिए होती है। डॉक्टर द्वारा दी गई तारीख नजदीक आने पर महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के लिए शरीर पर जोर डालने लगती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि महिला स्वस्थ है तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं अधिक रहती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।